अल्लाह व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो काफ़ी है दोस्तों ने हमारे लिए दुआ भी की। थोड़ी मेरा गले का और फ्लू का इशू था, 3 4 दिन से तबीयत थोड़ी सी बेहतर नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अब बेहतर हो गया हूँ। तो काफ़ी लोगों के सवाल थे, वो उसके भी आंसर देने जा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी हैं तलबा जिनके क्वेश्चन हमने इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, अपना एक दोस्त है वो जा रहे हैं तो उनके ज़िम्मे लगा दिया है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने क्वेश्चन हमें सेंड आउट कर सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चन के जो आंसर होंगे हम आपको मंडे वाले दिन इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे, बजरिया एक वीडियो के ज़रिए, शॉर्ट वीडियो के ज़रिए, लॉन्ग जैसे होगा उसमें आपके साथ शेयर कर देंगे। वो ये है कि हमारा एक दोस्त है, वो उसने एप्लीकेशन दी थी गज़ट मेरे लिस्ट फर्स्ट में, उसका नेम नहीं आया था, और वहाँ एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा कि आपका 2 में शामिल कर दिया गया। तकरीबन उसके 80% बनती थी, 79-80%, लेकिन अब वो कह रहा है कि एक जगह पे 105 सीट्स हैं लेकिन मेरा उसमें नहीं बनता है 60वां, तकरीबन 50 से 60वां, लेकिन अभी तक मुझे उसमें लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें सेंड आउट कर दें, हम रीड आउट करके जो आंसर होंगे के जो हमारे पास नहीं होंगे आंसर उनके जवाब बाद, तो हम उसके साथ ये क्वेश्चन करेंगे, वो बजरिया एक पैड पे लिख के वो सेफ्टी साहब के पास जाके वो पूछता है। पहले भी हमने उसे 2 मरतबा भेजा था, तो उसने हमारे जितने भी क्वेश्चन थे उस पर बजरिया हमें वॉइस के जरिए जितनी थी हमें वो प्रोवाइड कर दिए थे कॉल के ज़रिए। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इंशाल्लाह जो होगा हम वो आपसे मालूमात लेके फिर उनसे मालूमात लेके आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई मेरा नेम, इंटरटेनमेंट लाइफ, ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरा नेम 566 नंबर पे है, क्या फाइनल मेरे लिस्ट में नेम आ सकता है प्लीज़। तो भाई आपके नंबर्स बहुत कम हैं, कम चांसेस है आपको, अब बेहतर है आप प्राइवेट लो। अच्छा, ये फारूक, इनका अक्सर हमारे पास मैसेज आता रहता है, इस भाई का हम रिस्पांस भी देते हैं, ये हमारे सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह जजाकल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो, और वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कल मेडिसिन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया हूँ। और पूछ रहे हैं कि सर 2K वेटिंग सीट्स पे एडमिशन हो सकते हैं। वेटिंग सीट्स पे उस वक्त एडमिशन्स होते हैं जब आप किसी कैंडिडेट को जिस सेलेक्ट आउट किया जाता है, अगर उसने किसी और जगह पे और फील्ड में अगर उसने अप्लाई किया हुआ था, वहाँ उसका एडमिशन हो गया और उसको बेहतर लगता है कि ये जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी की फील्ड है हमारे लिए बेहतर नहीं है, वही ठीक है, BS वाली कोई भी एनीवन है या FSC कर रहा है, तो वो इसको छोड़ गया है, तो उस जगह पे एक वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी, उसकी जगह किसी और स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। तो इस तरह वेटिंग लिस्ट लगती है, वो भी इंस्टीट्यूट वाले खुद लगाते हैं। एक पूछ रही हैं कि महमूना असकर, असकर ये कर अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आपकी दुआएं चाहिए, माशाल्लाह आपकी दुआओं की वजह से, सब दोस्तों की दुआओं की वजह से ही आपके साथ हम वीडियो बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मरियम मलिक ये पूछ रही हैं कि सर जिस तरह ये लोग लगे हुए हैं हमारा तो साल वेस्ट हो जाएगा, अब अगर 24 को भी लिस्ट नहीं लगी तो नहीं, इंशाल्लाह 24 को लग जाएगी, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आप कंफर्म बताएंगे कि 24 तक लग जाएगी या नहीं, ठीक है। तो उम्मीद की जा रही है कि 24 को लग जाएगी, क्योंकि अब मज़ीद भी जाएंगे। अब ये पूछ रही है नायाब लड़की, ये माशाल्लाह में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, भावलपुर से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं तो नहीं दे रही एप्लीकेशन, इतनी सारी एप्लीकेशन होंगी, उन्होंने अभी भी चूना लगाया हुआ है, सबको खुश कर रहे हैं। तो इसको मैंने इनबॉक्स में ऑलरेडी कर दिया था, इसका फादर्स का थोड़ा नेम का मसला था, इन्होंने एप्लीकेशन दी फिर भी कोई मसला नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ, नंबर्स थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने कहा एप्लीकेशन ना दो। ये सैरबान पूछ रही हैं, BBS में गवर्नमेंट हॉस्टल की फैसिलिटीज़ होती हैं, सब जगह होती हैं, किसी जगह नहीं भी होती तो बाहर आपको रेंट पे लेने पड़ते हैं, इसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है कि वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। हमने एक लड़की थी उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल का बताया था, निस्तर का मुझे खुद पता है क्योंकि मैं खुद वहाँ रहा हूँ 3 साल, तो 2 से 3 साल मैं वहाँ खुद रहा हूँ, वहाँ तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, सारी सहूलियात हैं फीमेल्स के लिए। इसी तरह हसन शाह पूछ रहे हैं, सर मेरा फादर नेम की जगह मैट्रिक लिखा हुआ है, क्या मैं अप्लीकेशन दूँ। तो आप अप्लीकेशन लाजमी दें, अगर आपका बनता है तो आप लाजमी दें, क्योंकि ये फादर नेम बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है। एम रफ़ीक पूछे, सर जी पोर्टल क्लोज़ हो गया है, ओपन नहीं हो रहा,
बिल्कुल एडमिशन ओपन क्लोज़ हो गए हैं। अब कोई बंदा अगर अपना CNSE और वो लिखता है ना कि मुझे पता नहीं मैंने किस कैटेगरी में अप्लाई किया था, तो वो जैसे मैंने आज भी चेक किया, स्टूडेंट का पोर्टल बिल्कुल क्लोज़ आ रहा है। इस वजह से आ रहा है क्योंकि एडमिशन ख़त्म हो गए हैं और जस्ट ही अब वो आपकी मेरिट लिस्ट ही शो हो रही है, सेकंड गजट में लिस्ट। ये कुछ क्वेश्चन कल वाले थे, उन उसके भी हमने आंसर आपके साथ शेयर कर दिए थे। ये पूछ रहे हैं सर, इसमें टोटल सीट्स भी बता देंगे कि इदारों में पहले नहीं थे, मैंने सही वाल में किया है, इसमें कैटेगरी की 9 सीट्स हैं। ये इसका मैंने कल आंसर दिया था इनको। तो काफ़ी लोगों के ये सवालात थे जो हमने सबके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद होगी आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया फर्स्ट टाइम है, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। हमारे ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लें, और वहाँ आ जाके हम इनबॉक्स में कोई मैसेज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको जैसे ही फ्री होंगे आपको लाजमी इंशाल्लाह रिस्पॉन्स देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।